हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त आकांक्षा। आज मैं जो सब्जी आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही हेल्दी सब्जी है और बहुत ही डिलीशियस है और इंस्टेंटली बन जाती है। इस सब्जी को हम विंटर्स में बनाते हैं और इसको सोया आलू कहते हैं। तो चलिए सोया आलू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सोया आलू सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं और इनको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया है। और नेक्स्ट मैंने ये सोया लिया है और इसको अच्छे से मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। और नेक्स्ट मैंने ये हींग ली है, राई ली है, एक चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक बारीक कटी हुई, लहसुन बारीक कटा हुआ और नमक एज पर टेस्ट, और थोड़ा सा ये ऑयल लिया है। इसमें ये ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, नेक्स्ट अब हम इसमें डालेंगे ये हींग। राई, लहसुन, अदरक और इसको अच्छे से भून लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये सोया। सोया को हम हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक इस तरीके से भूनेंगे जिससे इसमें एक्सेस वाटर है जो निकल जाए। और ये प्रोसेस आप स्किप मत कीजिए, ये हमारी सब्जी को एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्लेवरफुल टेस्ट देता है। सोया अच्छे से भुन गया है, नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे ये बॉइल्ड पोटैटो और इसको भी अच्छे से मिला देंगे। ऊपर से हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये रेड चिली पाउडर। सब्जी को थोड़ा क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए हमारे पास ट्रिक है, क्या हम इसे ओपन पैन में कुक करेंगे जिससे इसमें से जो एक्सेस वाटर है वो एवेपोरेट हो जाए। और लास्ट में हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट। और इस सब्जी में को एंड में मैं जस्ट ये तोड़ के ऐसे हरी मिर्च डालूंगी जो इस अगेन सब्जी को एक बहुत ही अच्छा टेस्ट देने वाली है। हमारी सोया आलू की बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही हेल्दी और इंस्टेंट सब्जी बनके तैयार है। आप इस विंटर इस सब्जी को जरूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। Till then, bye-bye.